गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रैटेजी है दैट इज ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी। ये ऑपोजिट है ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी का। ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी में कंपनी जो ऐड करती है नया प्रोडक्ट, वो लो प्राइस प्रोडक्ट को ऐड करती है, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है ऑलरेडी जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, उसमें जो लो प्राइस प्रोडक्ट है वो ऐड करती है। और इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो लोग जो हाई प्राइस प्रोडक्ट है कंपनी के उसे परचेज नहीं कर सकते हैं, वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो ये कि जो कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, जो बीपीएल कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस किया पोर्टेबल टेलीविजन, जो लो प्राइस ऑडियो प्लेयर्स थे, रेफ्रिजरेटर्स थे, वो उसने इंट्रोड्यूस किए। सेम तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है सिंगल टब वॉशिंग मशीन की, वो सैमसंग ने की, जो एग्जांपल है आपका ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी का। देन नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में जो मैन्युफैक्चर है वो ये कोशिश करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करे कि वो प्रोडक्ट डिफरेंट और ज़्यादा बेटर दिखे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, और वो जो डिफरेंस है वो रियल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और जो डिफरेंस है वो क्वालिटी में, डिज़ाइन में, शेप में, कलर में, ब्रांड पैकेज एक्सेट्रा में हो सकता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो प्रोटेक्ट करती है कंपनी को प्राइस कॉम्पिटिशन से, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो जो उसका कस्टमर है उसके माइंड में क्रिएट कर रहा है कि प्राइस से हट के जो आपको चीज़ है, क्वालिटी है, वो आपको मिल रही है। अगर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी है, तो एक जो सिंगल क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उससे आप पूरी मार्केट को का जो शेयर है वो रिटेन करके नहीं रख सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में इतने सारे फीचर्स को शो करे ताकि जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो उससे बेटर नज़र आए, और इसके लिए जो कंपनी है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है दैट इज़ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में जो एक कंपनी है वो सिंगल प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट नहीं करती है, वो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट टेस्ट और नीड्स जो हैं कंज्यूमर्स की उसको फुलफिल करने के लिए, और ताकि जो सेल्स है कंपनी की वो इंक्रीज हो सके। तो एक जो मार्केटर है वो किसी भी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी को चूज कर सकता है, कीपिंग इन व्यू नेचर क्या है प्रोडक्ट का उसका और मार्केट कंडीशंस कैसी है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें जो एक मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, अलग दिखाता है अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, अलग भी दिखा रहा है और बेटर भी दिखा रहा है। और किस बेसिस पे डिफरेंशिएट वो कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम, कलर, साइज, डिज़ाइन, स्टाइल, प्राइस, फीचर्स, परफॉर्मेंस एसेट्रा। और अंडर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो मार्केटर होता है थ्रू सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, वो कंज्यूमर के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, ये दिखाने के लिए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है उसके कॉम्पिटिटर से, और सिर्फ उसी का जो प्रोडक्ट है कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। और ये जो डिफरेंशिएशन है वो रियल भी हो सकता है कि वाकई ही एग्जिस्ट करता है डिफरेंस, या फिर वो खाली साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल आप उसे दिखा रहे हो कि डिफरेंस है लेकिन असल में वो डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर, डिफरेंशिएशन इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग अ सेट ऑफ मीनिंगफुल डिफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश द कंपनीज ऑफरिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग। तो डिफरेंशिएशन हो सकता है बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर, चैनल के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम स्कोप देता है आपको डिफरेंशिएशन का एज कंपेयर टू चैनल एंड प्रमोशन। तो बिना प्रोडक्ट
डिफरेंशिएशन के किसी भी कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में एग्जिस्ट करना। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी से जो मार्केटर है अगर वो सक्सीड हो जाता है कंज्यूमर को ये कन्विंस करने में कि उसका प्रोडक्ट डिफरेंट है और बेटर है जो दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उससे, तो उसके प्रोडक्ट को कस्टमर्स ज़्यादा खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का, दैट इज़ कि अपना जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो उसको प्रेजेंट करे विद सर्टेन रियल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस इन कंपैरिजन विद अदर कंपीटिंग ब्रांड। और इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज कंज्यूमर को ये परसीव करना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन इजीली नजर आनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो ये तभी बेनिफिशियल है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ जो कस्टमर है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो इस डिफरेंस को परसीव कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो आप सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए यूज कर सकते हैं और वो हेल्प करेगी एक कंपनी को फाइट करने में ऑन नॉन प्राइस फ्रंट। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कंपनी के लिए, जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसकी ओवरऑल प्रोडक्ट पॉलिसी का। अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर जो ये डिफरेंशिएशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वेरियस वेरिएबल्स के बेसिस पर, वो हो सकता है कि किन किन चीजों में जो है वो डिफरेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वेरिएबल। सबसे पहला है प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट्स के जो उसके बेसिक फंक्शंस में आपको नजर आते हैं। कुछ जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं नए फीचर्स ऐड करने के लिए अपने प्रोडक्ट में। तो जो कंपनी है वो एडिशनल वर्जन्स अपने प्रोडक्ट के क्रिएट कर देती है उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके। और ये जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो प्रोडक्ट में यहाँ पर वो उसके इनोवेटिव फीचर्स की वजह से ही हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, वॉचेस, कैमरास, रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, फुटवेयर एक्सेट्रा, ये कॉमन प्रोडक्ट लाइंस हैं जिनमें प्रोडक्ट फीचर्स ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सकते हो अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। देन नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का मतलब है वो लेवल जिस पे जो प्रोडक्ट के प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑपरेट करेंगे। जो फोर प्राइम परफॉर्मेंस लेवल हो सकते हैं वो लो, एवरेज, हाई और सुपीरियर के हो सकते हैं। तो जो मार्केटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है ताकि जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है वो उसकी टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट हो और कॉम्पिटिटर का जो परफॉर्मेंस लेवल है उससे कम्पीट कर पाए। और थ्री स्टेजेस में ये हो सकता है कि जो कंपनी है या तो वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करे अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को, या मैन्युफैक्चरर है वो मेंटेन करके रखे अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को एट अ गिवन लेवल, जो मैन्युफैक्चरर है वो रिड्यूस करे अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को ताकि जो उसकी कॉस्ट है जो वो इंक्रीज हो रही है उससे वो ऑफसेट कर सके इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो बायर्स हैं उन्हें डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये चीज़ जो कंपनी की लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इफेक्ट कर सकती है। तो जो मार्केटर है तीन तरीके से परफॉर्मेंस लेवल पे अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकता है, या तो प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, या एक सर्टेन लेवल पे उसे मेंटेन कर रहा है, या उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। और इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है कि जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको वो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो कंपनी की वो इफेक्ट इस चीज से होगी। देन नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ कितनी होगी। ड्यूरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मोस्ट ऑफ द बायर्स कंसीडर करते हैं। बायर्स तभी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है।
आप वेरियस मॉडल्स ले लो, रिस्ट वॉचेस के, फर्नीचर के, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के, आप उन्हें तभी परचेज करना पसंद करोगे, उसके लिए तभी ज्यादा पे करना पसंद करोगे अगर उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लॉन्ग है। देन नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट है वो फेल नहीं होगा, उसमें कोई माल फंक्शन नहीं होगा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जो बायर्स हैं वो प्रीमियम भी पे करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो कॉस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। किस कॉस्ट को? जो कॉस्ट उन्हें बियर करनी पड़ेगी अगर जो प्रोडक्ट है उसमें किसी भी तरीके का माल फंक्शन हो गया, वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, या उसके रिपेयर अगर वो करवाने गए तो उसमें टाइम लग रहा है। तो उसके लिए जो कंपनी है जरूरी है कि वो जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट फेल नहीं होगा उसके टाइम पीरियड को इंक्रीज करे। जैसे जो जापानीज कंपनी है वो सक्सेसफुल रही है इन इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इंडिया में टाटा, गोदरेज, मारुति, क्रॉम्पटन, केंट बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऑन रिलायबिलिटी वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रिपेयरेबिलिटी। इजी रिपेयरेबिलिटी भी एक वेरिएबल है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। आइडियल रिपेयरेबिलिटी तब एग्जिस्ट करती है अगर जो यूजर है वो प्रोडक्ट को खुद ही रिपेयर कर पाए बिना किसी कॉस्ट के और बिना कोई टाइम गवाए। तो जो यूजर है वो सिंपली डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करे और नया रिप्लेसमेंट जो पार्ट है उसमें डाल दे। आजकल बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं टोल फ्री टेक्निकल सपोर्ट अपने कस्टमर्स को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बजाज, हीरो, टाटा, मारुति बेस्ट एग्जांपल्स हैं इजी एंड एवरीवेयर रिपेयर फैसिलिटीज के। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। स्टाइल डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट की लुक्स को और क्या फील जो बायर है उससे ले रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्टाइल। कई जो कंपनीज हैं वो स्टाइलिंग में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जो स्टाइल है प्रोडक्ट का वो भी इम्पोर्टेंट है। इन केस ऑफ टू व्हीलर्स, कार्स, रेफ्रिजरेटर, वॉचेस, बाथरूम फिटिंग्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, आप इस जो फीचर है उसको यूज कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। और जो बायर्स है नॉर्मली ज्यादा प्रीमियम प्राइस पे करते हैं फॉर अट्रैक्टिवली स्टाइल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन का मतलब है टोटैलिटी ऑफ फीचर्स जो इफेक्ट करता है इस चीज को कि एक जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है, कैसा फंक्शन करता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर। जो डिजाइन है वो इम्पॉर्टेंट है इन मार्केटिंग ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर्स, माउंटेड फर्नीचर, ज्वेलरी एसेट्रा। और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है एज अ डिजाइन लीडर्स इन दीज प्रोडक्ट्स। तो ये थे हमारे वेरिएबल जो हेल्प करते हैं एक कंपनी को कि वो इन बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स इन दी मार्केट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।